अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पंजाब के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में BDS का इस साल जो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही पिछले साल जो मेरिट रहा उसके साथ कंपैरिजन करेंगे ताकि स्टूडेंट को एक रफ आइडिया हो जाए कि इस साल कौन से मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट कहाँ पर क्लोज होगा। वन बाई वन हम पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेज में जो क्लोजिंग मेरिट है वो डिस्कस करेंगे और आपका एग्रीगेट जिस भी मेडिकल कॉलेज का बने आप वहाँ पर ईजिली अप्लाई करें और आपका वहाँ पर ईजिली एडमिशन हो जाए। स्टैट कंपैरिजन में 2022 और 2023 को देखें तो जो एमडी कैट में 190 प्लस स्टूडेंट्स थे वो 2022 में 7 थे और 2023 में 8 हैं और वो स्टूडेंट जिनके 185 मार्क्स थे वो 2022 में 58 थे और जो 2023 है उसमें 157 हैं। लास्ट ईयर जो BDS का क्लोजिंग मेरिट रहा वो 90.22 रहा। इस साल जो BDS का एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 90.40 से लेकर 90.60 तक जा सकता है क्योंकि इस साल स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, इसलिए इस साल जो BDS का एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा हो सकता है। डी माउंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री का इस साल जो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 90.40 हो सकता है। निश्तर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान का इस साल जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 90.36 हो सकता है। पंजाब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में इस साल BDS का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 90.34 हो सकता है। पंजाब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में इस साल BDS का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 90.34 हो सकता है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में जो डिसेबल कोटा पे मेरिट हो सकता है वो 80.62 हो सकता है और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कोटा में जो BDS का क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 90.24 हो सकता है। FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर में इस साल जो BDS का क्लोजिंग एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 90.06 हो सकता है। मारगला इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री रावलपिंडी में BDS का जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 90.25 हो सकता है। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में इस साल BDS का जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 89.45 हो सकता है। एविसिनन डेंटल कॉलेज लाहौर में इस साल जो BDS का एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 87.09 हो सकता है। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में इस साल जो BDS का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 88.20 हो सकता है। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में इस साल BDS का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट 88.77 हो सकता है। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में इस साल BDS का जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 86.65 हो सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर में इस साल BDS का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 86.61 हो सकता है। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में इस साल BDS का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 87.43 हो सकता है। राशिद लतीफ डेंटल कॉलेज लाहौर में BDS का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 87.31 हो सकता है। शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा में BDS का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 86.06 तक जा सकता है। वतीम डेंटल कॉलेज रावलपिंडी में BDS का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 86.95 तक जा सकता है। आमना नाइट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में BDS का इस साल जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 85.72 हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के लिहाज से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।